हरियाणा विधानसभा के चुनाव के साथ पार्टियों में तनातनी बढ़ी। कांग्रेस खेमे में अनबन की खबरों के बीच दूरियां भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इन बिगड़ते रिश्तों का असर चुनाव के नतीजों और इसका फायदा दूसरी विरोधी पार्टियों को हो सकता है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में जो सवाल उठ रहे हैं वो सीएम चेहरे को लेकर उठ रहे हैं, जबकि बीते दिनों ये स्पष्ट कर दिया गया कि हारे नेताओं को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले ने एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस की सियासत को गरमा दिया और जो सिटिंग एमपी हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो चुनाव प्रचार पर ध्यान देंगे। लेकिन सीएम की रेस का दावेदार मानने वाले इस फैसले से बेहद नाराज थे। दूसरी तरफ भाजपा ने अपना एक रास्ता क्लियर करने के लिए चुनाव आयोग तक आवाज पहुंचाई और फिर चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गए, यानी कि हरियाणा में कांग्रेस को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। मगर वर्तमान की हालत देखकर कांग्रेस पाले में संकट दिख रहा है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सियासत जारी है। दीपक बावरिया और हुड्डा की बढ़ती नजदीकियों में कुछ दरारें आ गई। बावरिया के पिछले कुछ बयानों से हुड्डा खेमा खुश नहीं है। मुख्यमंत्री के फेस को लेकर कांग्रेस ने मामला शांत कराया तो अब टिकट देने के फॉर्मूले पर बड़े नेताओं में ठनाठनी है। हरियाणा विधानसभा को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चेयरपर्सन अजय माकन के सामने ही विधायक दल के नेता और चुनाव के प्रभारी महासचिव बनाए गए दीपक बावरिया आमने सामने आ चुके हैं। बैठक में दो बार लगातार हारे नेताओं को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले ने एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस की सियासत को बढ़ा दिया। दरअसल हुड्डा और उनके खेमे के विधायकों का प्रस्ताव था जो नेता दो बार चुनाव हारे हों उनको टिकट ना दिया जाए, बल्कि उनके परिवार में से किसी अन्य या फिर उनके बेटे या बेटी को टिकट दिया जाए। इस पर जब तक अजय माकन और मनिका टैगर कुछ बोलते तब तक दीपक बावरिया ने ही हुड्डा के इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। मीटिंग में ही हुड्डा के प्रस्ताव का विरोध करते हुए बावरिया ने कहा कि 2004 से 2009 के बीच 5 या 10 साल ये विधायक रहे, फिर हार गए। अब इनके बेटे बेटी को यानी 30 साल एक परिवार को लगातार टिकट देंगे तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। इस फैसले से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी आ सकती है। बावरिया का कहना था कि कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना चाहिए। टिकट बंटवारे को लेकर हुड्डा ऐसा नियम नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे उनके करीबियों के टिकट कट सकते हैं। कुल मिलाकर हुड्डा के करीबी होने का तमगा झेलते आए बावरिया का ये बयान बता रहा है कि आलाकमान हुड्डा के भरोसे जरूर है, लेकिन सिर्फ हुड्डा के भरोसे नहीं है। कांग्रेस आलाकमान ने अब हरियाणा में और भी पावर सेंटर बना दिया। सीएम कुर्सी का सबसे बड़ा खतरा माने जा रहे शैलजा और सूर्जेवाला रास्ते से हट चुके हैं, लेकिन इसके शैलजा और सूर्जेवाला से दो टूक की और कहानी बदल गई। इसके बाद बावरिया का एक और बयान सामने आया कि सीएम फेस बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। इस बयान के बाद से ही हुड्डा और बावरिया में मामला बिगड़ता दिखा है। इसके साथ ही शैलजा और सुरजेवाला की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं।